सबसे बड़ी खासियत यहाँ क्या है कि जितने भी बच्चे पढ़ते हैं सबका लिखावट जो है एक समान है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे रोमन हो, चाहे गणित हो। यहाँ पर के जो बच्चे हैं एक मेहनत के तौर पर, एक परिश्रम के तौर पर सभी बच्चों की राइटिंग एक समान किया जाता है। ज्ञान की धरती गया में एक स्कूल चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसको लेकर लोग दांते तले उंगलियां दबाने को मजबूर हो रहे हैं, लेकिन बात पूरी तरह सच है। दरअसल गया जिले के नीमचक बथानी प्रखंड के झरना सरीन गांव में संचालित गौतम बुद्ध शिक्षण संस्थान विद्यालय एक अनोखा विद्यालय है। इसका मुख्य कारण है कि इस स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चों की हैंडराइटिंग एक समान है। सुनने पर विश्वास नहीं होता, लेकिन यह सत्य है। देखने के बावजूद भी लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वास्तव में यहाँ सभी बच्चों की हैंडराइटिंग एक समान है। यह विद्यालय विगत 22 वर्षों से संचालित है, जो गया जिला मुख्यालय से लगभग 60 किलोमीटर दूर सुदूरवर्ती क्षेत्र में संचालित है। इस विद्यालय के प्रधानाचार्य चंद्रमौली प्रसाद बताते हैं कि वर्ष 2000 में उन्होंने गौतम बुद्ध शिक्षण संस्थान नामक विद्यालय की शुरुआत की थी, जो अब तक चल रहा है। इस विद्यालय में प्रतिवर्ष 100 बच्चों का ही नामांकन कराया जाता है। विद्यालय में 5 कमरे हैं और बच्चों को पढ़ाने के लिए 4 शिक्षक हैं। उन्होंने कहा कि सबसे खास बात यह है कि यहाँ पढ़ने वाले सभी बच्चों की हैंडराइटिंग एक समान है, जो देखने में काफी खूबसूरत और स्वच्छ है। बच्चों की हैंडराइटिंग एक तरह की हो, इसके लिए यहाँ के शिक्षकों द्वारा विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया जाता है। हैंडराइटिंग सुंदर और साफ दिखे, इसके लिए शिक्षक बहुत मेहनत करते हैं। इस विद्यालय का नाम गौतम बुद्ध शिक्षण संस्थान है। यह गया जिला के नीमचक बथानी प्रखंड अंतर्गत झरना सरीन गांव में स्थापित है। इसकी स्थापना 2000 में की गई थी, जो अब तक के लगातार पे चल रही है, और यहाँ 100 बच्चे अध्ययनरत हैं। और सबसे बड़ी खासियत यहाँ क्या है कि जितने भी बच्चे पढ़ते हैं सबका लिखावट जो है एक समान है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे रोमन हो, चाहे गणित हो। इसके लिए एक सबसे पहले हम लोग स्लेट पर उसको खल्ली से सिखाते हैं। जब वो बच्चे धीरे धीरे परिपक्व हो जाते हैं तो फिर पेंसिल और कॉपी देते हैं। जब वो धीरे धीरे और अच्छे रूप में आ जाते हैं तब उसे हम कलम से लिखवाना शुरू करते हैं। हेडमास्टर बताते हैं कि विद्यालय के बच्चे भी शिक्षकों के दिशा निर्देश के अनुसार काफी मेहनत करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पढ़ने वाले सभी बच्चों की हैंडराइटिंग एक समान दिखती है। उन्होंने कहा कि शुरुआती दौर में बच्चों को स्लेट और पेंसिल देकर पढ़ाया जाता है, इसके बाद कट पेंसिल और कॉपी दी जाती है। बच्चों के परिपक्व हो जाने के बाद उन्हें कलम और कॉपी पर विशेष रूप से राइटिंग सुधारने को लेकर तैयार किया जाता है, जिसके बाद सभी बच्चों की हैंडराइटिंग एक जैसी दिखती है। जिन लोगों को यह बात पता चलती है उन्हें विश्वास नहीं होता, लेकिन यहाँ आकर देखने पर लोग हैरान रह जाते हैं और विश्वास भी करते हैं। यही वजह है कि नीमचक बथानी प्रखंड से लेकर मगध प्रमंडल के कमिश्नर कार्यालय तक बच्चों की हैंडराइटिंग एक समान होने को लेकर प्रशस्ति पत्र भी दिया जा चुका है। प्रशासनिक अधिकारियों ने विद्यालय को आर्थिक मदद देने के लिए राज्य सरकार को लिखा भी है, लेकिन अब तक कोई मदद नहीं मिल सकी है। उन्होंने कहा कि यहाँ वर्ग 1 से 5वीं तक को बेसिक शिक्षा दी जाती है। हिंदी, इंग्लिश, गणित और साइंस विषय की पढ़ाई बच्चों को कराई जाती है। सभी बच्चों में बच्चों की हैंडराइटिंग एक समान दिखती है। उन्होंने कहा कि गया जिला मुख्यालय से काफी दूर सुदूरवर्ती क्षेत्र में यह विद्यालय संचालित है। इस विद्यालय में नीमचक बथानी प्रखंड के अलावा गया जिले के विभिन्न प्रखंडों के भी बच्चे यहाँ अध्ययन के लिए आते हैं। शुरू में बच्चे को हम लोग प्रिंट लेटर में सिखाते हैं और फिर आगे चल के धीरे धीरे कर करके उसको कर्सिव लेटर में बदलते हैं। लेकिन बच्चों की हैंडराइटिंग तो अलग होती है, ऐसा कैसे संभव है? आप लोग किस तरह की यहाँ पर विशेष है, लेकिन यहाँ पर के जो बच्चे हैं एक मेहनत के तौर पर, एक परिश्रम के तौर पर सभी बच्चों की राइटिंग एक समान किया जाता है, चाहे वो कितना बच्चा छोटा हो या बड़ा हो, सब यहाँ पर एक समान से। प्रशस्ति पत्र वगैरह प्रशासन से मिला आप लोग? प्रशासन से, प्रखंड मुख्यालय से लेकर के आयुक्त कार्यालय तक के मुझे प्रशस्ति पत्र मिला है कि सही बच्ची का लिखावट एक समान है और एक अच्छे रूप में विद्यालय संचालित। तो कोई सहयोग भी मिला है अब तक? अब तक आर्थिक सहयोग नहीं मिला है, लेकिन सहयोग मिलने के लिए पदाधिकारी ने
बिहार सरकार को लिखा गया, लेकिन अभी तक सचिवालय में ही फाइल घूम रही है। तो आप अपने स्तर से भी अच्छा से चला रहे हैं? छात्रों से जो से चला रहे हैं। कितने कमरे हैं, कितने शिक्षक हैं यहाँ? यहाँ पर 4 शिक्षक हैं और 5 कमरे हैं, एक ऑफिस है, एक लाइब्रेरी का भी है। कितने बच्चे हैं अभी फिलहाल? 100 बच्चे थे। और कितने कक्षा तक की पढ़ाई होती है? 5 क्लास। तो इसमें मतलब एक ही गांव के बच्चे हैं कि आसपास के? सब आसपास के क्षेत्र के बच्चे हैं, दूसरे प्रखंडों से भी आते हैं बच्चे। वहीं गौतम बुद्ध शिक्षण संस्थान में पढ़ने वाले छात्र गौतम राज ने बताया कि यहां अच्छी पढ़ाई होती है। सबसे पहले प्रिंट में लिखने को लेकर सिखाया जाता है, उसके बाद पेंसिल से कर्सिव में भी लिखाया जाता है, उसके बाद कलम पकड़ाई जाती है। विशेष रूप से एक जैसी हैंडराइटिंग को शिक्षक गण कहते हैं। ऐसा करते हुए हम सब लोगों की हैंडराइटिंग एक जैसी दिखने लगती है। किस तरह से पढ़ाई होती है? गौतम बुद्ध शिक्षण संस्थान स्कूल है, यहाँ अच्छी तरह से पढ़ाई जाती है। अच्छा, तुम लोग सबका हैंड राइटिंग एक जैसा दिखने में लगता है, ये कैसे होता है? लिखावट एक जैसे। एक जैसा कैसे लिख लेते हो तुम लोग? सर सिखाते हैं लिखने के लिए, स्लेट पर सर बोर्ड पर सिखाते हैं, स्लेट पर प्रयास करते हैं, अच्छा से लिखे आ जाते, पेंसिल से लिखवाते हैं। तो इसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। काफी मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, यहाँ पढ़ाई कैसी होती है? अच्छी होती है, हिंदी इंग्लिश मैथ ये सब होता है। गया से बोलता बिहार की रिपोर्ट। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर बताएं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आप यह वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें।